जो बड़े बड़े डेवलपर जायंट्स हैं वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो दिस एंटायर एरिया कैन बी डेवलप्ड इनटू अ टूरिज्म सिटी। हमारे ज़ेहन में एक स्पेसिफिक स्केच है फॉर पाकिस्तान, और वो ये है कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी विसिनिटी में जितना भी एरिया दैट इज़ बैरन लैंड दैट इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। और जिस तरह से दुबई ने सहरा में एक पूरा शहर बसाया और ज़मीन पे एक जन्नत सा समा पैदा किया हुआ है, उस तरह की अटैम्प्ट पाकिस्तान विद ऑल इट्स नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल एक शॉर्ट टाइम में कर सकता है अगर वहाँ पे आप एक शहर बनाने की इजाज़त दे दें और गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे, जो इस मुल्क के डिसीजन मेकर्स हैं वो उसमें सपोर्ट करें, और जो बड़े बड़े डेवलपर जायंट्स हैं वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो दिस एंटायर एरिया कैन बी डेवलप्ड इनटू अ टूरिज्म सिटी एंड विच कैन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिवाइवल। दुबई इज़ एन एग्जाम्पल। हम एज अ फैमिली दुबई बड़ा फ्रीक्वेंटली जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। आप 4 घंटे की फ़्लाइट लेके फ्रॉम एनी वेयर इन पाकिस्तान यू कैन गो टू दुबई, और 4 घंटे में ही आप इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करते हैं। तो दुबई की एग्जाम्पल इसलिए हम फॉलो करते हैं कि दुबई ने सहरा में ये मिरेकल खड़ा किया है, और दुबई हैड नथिंग विद देम। लोग कहते हैं उनके पास ऑयल का पैसा, ऑयल का पैसा अबू धाबी के पास है, दुबई के पास नहीं है। तो अबू धाबी यस सर्टन लेवल्स पे अपने छोटे भाई को रेस्क्यू ज़रूर करने आता है, और वहाँ सारे स्टेट्स के जो शयूख हैं उन्होंने आपस में मिल के यूनिटी का मज़ा है जो पूरा यूएई इस वक्त एंजॉय कर रहा है। लेकिन दुबई स्पेसिफिकली आप बात करें तो दुबई टूरिज्म ओरिएंटेड ही करता रहा है। दुबई के 4 एलिमेंट्स हैं, इट्स द एयरपोर्ट, इट्स द सी पोर्ट, इट्स टूरिज़म एंड इट्स रियल इस्टेट। उसने इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाया है, उन्हें बहुत आइडियली आपस में लिंक किया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी दी है और लोगों को फिजिकली सिक्योरिटी दी है। दुबई हैज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी विच प्रवेल्स द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द फिजिकल सेल्फ। वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है तो पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी, और आप इसको क्लब कर सकते हैं। जो हमारा इरादा है कि हम फर्स्ट फेज़ में ये टूरिज्म सिटी डेवलप करेंगे, नेक्स्ट फेज़ में नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पे भी छोटे छोटे टूरिज्म सिटी डेवलप करेंगे, और एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल्ड मूवमेंट करेंगे और लोग उसको इन्जॉय करेंगे। नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान का ताज है, वो हमें लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन देन अगेन वी कैन डेवलप समथिंग लाइक दुबई राइट नेक्स्ट टू आर फेडरल कैपिटल, जो कि पूरी दुनिया कर रही है इस वक्त। मतलब अबू धाबी इस वक्त इस रेस में है, सऊदी अरब आपने बताया इस रेस में है और वो अपना एक टूरिज्म सिटी डेवलप कर रहे हैं, उसके अलावा चाइना इस पे काम कर रहा है, और सिंगापुर ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मलेशिया ने ये काम किया, तो हम तो किसी हवाले से भी दुनिया में किसी भी शहर के साथ किसी एक अपने कोने का भी कंपेरिजन नहीं कर पा रहे। तो माजरत के साथ ये मिनहसुल कौम हमारे लिए एक शर्म का मकाम है, सो वी हैव टू रेस्क्यू आर सेल्व्स आउट ऑफ दिस डिज़ास्टर। हमने 300-400 कैनाल से ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह डे वन भी वो टूरिज़म के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता था, और आज भी जिस वक्त हम 2 लाख कैनाल की बात कर रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पोजेशन में, फिर हमारा नेबरिंग कंपेटिटर प्रोजेक्ट है जो अब हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी, उनका अपना काफ़ी सारा एरिया है, और उनका एरिया और हमारा एरिया कंबाइन करें और उस इलाके में जो बड़े डेवलपर्स और काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं उन सब की अगर हम कंबाइंड स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे 8-10 लाख कनाल का शहर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हर ग्रुप अपनी एक रेपुटेशन कैरी करता है और उसके साथ एक कस्टमर सपोर्ट है पब्लिक मनी की। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि पहली तो बात दुबई में जो दोनों पाम्स हैं और जो इनका बुर्जुल खलीफा है इस वक्त, बोथ आर ओन्ड और ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय अबू धाबी गवर्नमेंट। और जिस वक्त ये पाम्स बने थे तो जो शेख साहब थे उन्होंने जो अपने हिज़ एक्सीलेंसी ने जो अपने जो डेजिग्नेटेड स्टाफ था उसकी ये ड्यूटी लगाई थी कि मेरे पास इस शहर को बनाने के पैसे नहीं हैं, आपने ये कैपिटल खुद रेज़ करना है। तो वो कैपिटल उन्होंने कहाँ से रेज़ किया होगा, बैंक बोरोइंग तो नहीं की, फाइनेंसिंग नहीं की। दे सोल्ड व्हाट दे वर प्लानिंग, दे सोल्ड देयर विजन एंड इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह
बॉट बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने वहाँ ला के प्लेस किया अपनी मार्केटिंग की बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की बेसिस पे और कमिटमेंट की डिलीवरी की बेसिस पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक गवर्नमेंट ने डिलीवर किया और वो लोगों ने वो ख्वाब ख़रीदा और आज वो ख्वाब हकीकत बन के मौके पर मौजूद है और उसने दुबई की इंटेग्रिटी में, अबू धाबी की इंटेग्रिटी में इजाफ़ा किया। तो यही काम हमें करना है। ये इस तरह के जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पब्लिक मनी और पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे अगर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी काम करती है तो पल्ले से वो फौज को अपने बजट से स्पेंडिंग करके लैंड नहीं खरीदती, वो पब्लिक से ही वो कैपिटल रेज करते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने शहदा और फौजी अफसरान को देते रहते हैं, कुछ वो कमर्शली सेल कर देते हैं। तो दुनिया में जब भी वो बड़ी डेवलपमेंट रेज होती है तो इट इज़ डन फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, यानी फ्रॉम पब्लिक फंडिंग एंड नॉट फ्रॉम बैंकिंग। बैंकिंग एडवाइजेबल ही नहीं और फिजिबल ही नहीं रहती। तो ये जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं उनकी भी ये स्ट्रेंथ है, दुबई की भी ये स्ट्रेंथ है, अबू धाबी की भी ये स्ट्रेंथ है। तो इसमें सिर्फ आपने पब्लिक कॉन्फिडेंस इस लेवल पे रेज करना कि पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग विद यू एंड यू कीप ऑन डिलीवरिंग टू देम, तो आपका कॉन्फिडेंस और रेज होता जाएगा। और अल्लाह पाक ने इसमें मदद करनी है और कोई साइंस नहीं। जैसे दुबई में इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग और इफ़ यू वांट टू डेवलप अ कम्युनिटी तो उनके SOPs तय हैं, आपको वहाँ जलील नहीं किया जाता। यू जस्ट वॉक इन टू दैट पब्लिक ऑफिस, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हैं तो दे गिव यू परमिशन एंड दे आर सपोर्टिव टू योर कॉज ऑफ डेवलपिंग दुबई। वो एटीट्यूड यहाँ पे हमारे अदारों से माजरत के साथ मिसिंग है और उसका कॉन्सेप्ट भी मिसिंग है। मसलन दुबई में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें जो लोकल स्ट्रेंथ होती है, वो जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होती है और वो लाइसेंस में एक सर्टन पोर्शन जो है वो इंजॉय करते हैं और फिर उसको फैसिलिटेट करते हैं। और वहाँ कोई कितना बड़ा पौधे पे है या कितना बड़ा प्रिंस है, वो उतना ही बड़ा फैसिलिटेटर है और उसकी एक फ़ीस है, आप वो पे करते हैं, उसका एक शेयर है, आप वो उसको देते हैं और वो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है थ्रू अलाउड मीन्स। उसमें वो कोई अंडर द टेबल या कोई आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेशन नहीं करता, जो अकोमोडेशन कानून में अलाउड है वो आपको वो एक्सटेंड कर देता है। उसी तरह का मैकेनिज़म हमें यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। मसलन कि यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो अफसर बैठा आपके अरबों की प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे रहा है, उसकी तनख्वाह 1,00,000 रुपया भी नहीं होगी, 2,00,000 रुपया भी नहीं होगी, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करप्शन ना करे। और आप एक ऐसी कम्युनिटी में जीते हैं जहाँ डेवलपर के बच्चे जो हैं वो मुल्क के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं और उस बंदे के जो आपको अप्रूवल दे रहा है उसके बच्चों को तालीम भी मैसर नहीं है, तो वो कंपैरिजन करता है और यही वजह बनती है करप्शन की। अगर आप इस प्रोसेस को एक दूसरे के लिए सपोर्टिव कर दें, कवानीन बना दें जिससे कोई हिल ना सकता हो और फैसिलिटेशन के लिए डिपार्टमेंट्स की अकोमोडेशन फ़ी रख दें जो कि वैसे भी सारा मुल्क देता है और सारा मुल्क खाता है, और अगर हम अकोमोडेशन फ़ी ऑफिशियली तमाम उस महकमे के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग पड़े तो आपकी जो तरक्की है 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा होने लग पड़ेगी। ये कोई रिश्वत को मैं जायज़ करने की बात नहीं कर रहा, एक बिज़नेस मॉडल डेवलप करने की बात कर रहे हैं। डेवलपर का परसेप्शन कब्ज़ा ग्रुप का क्यों बन जाता है जी? इसमें कुछ कसूर कुछ डेवलपर्स का है और कुछ ऐसे माइंडसेट का है या कुछ लेस एजुकेटेड लोग जो इस फील्ड में आ गए और उन्होंने अपने अपने तौर और अंदाज़ अपनाए लोगों से रकबे हथियाने के लिए, उस माइंडसेट का है और उसने राइटली और रॉन्गली टैग कर दिया है किसी भी डेवलपर के साथ कब्ज़ा ग्रुप का नाम। एक मैंने कहा कि अफराद का अपना कंडक्ट इसका कसूरवार है और दूसरा कसूरवार है इस मुल्क का निज़ाम, जो मैंने बताया 50 साल पुराना दकियानूसी रेवेन्यू का निज़ाम चलता आ रहा है और उसी तरह के अदारों के जो प्रोसीजर्स हैं लंबे लेंथी वो चलते आ रहे हैं। मसलन कब्ज़ा ग्रुप कैसे डेवलप होता है, क्रिएट होता है या क्यों एक बंदा बदनाम हो जाता है? यहाँ पे रेवेन्यू में जो को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक फैमिली एक खत्े में एक ज़मीन को ऑन करती है और उसमें उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ओनर होते हैं, यहाँ पर तकसीम का कॉन्सेप्ट जो है वो सालों पे मुहित है। यानी अगर 2-4 भाई आपस में रकबा तकसीम करना चाहते हैं और अगर एक भाई अड़ जाता है बीच में तो लीगली कानून जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करने को कहता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उम्र नू लग जाती है। और फिर जो जुडिशरी का निज़ाम है कि एक अदालत के बाद दूसरी अदालत और तारीख पे तारीख और
सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू। इस एक चक्कर में जो मैंने आपको अर्ज़ किया 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। तो ला महाला जिसके टारगेट सालों पे मुहित हों वो डेवलपर्स फिर ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिसके नतीजे में झगड़े होते हैं, और जो ज़मीन के मालकान हैं वो कभी ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिनके नतीजे में झगड़े होते हैं, और इसलिए वहाँ से ये टैग जो है हर डेवलपर के साथ चिपक जाता है कि जी ये तो कब्ज़ा ग्रुप है। आपका कानून सपोर्ट ही नहीं करता किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को पीसफुली डेवलप होने के लिए। होना ये चाहिए, मैं एक प्रपोजल देता हूँ कि सबसे पहले इस मुल्क का मास्टर प्लान बनना चाहिए कि जी ये हमारे शहर हैं, ये हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं, ये हमारे ब्राउन एरियाज़ हैं अलाउड, ये हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। यूएसए में, कनाडा में जिस वक्त एक जगह पे ब्राउन एरिया में इजाफ़ा किया जाता है तो उसी मुल्क में उसी तनासब से कहीं ग्रीन एरिया में कमी बेशी की जाती, तो आपस में ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बीच में मैनेज होती है। तो सबसे पहले पूरे पाकिस्तान का मास्टर प्लान बनना चाहिए कि जी कहाँ हमने हाउसिंग अलाउ करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ शहर बसने देने हैं, कहाँ इंडस्ट्री बसने देनी है, और उसके बाद जो डेवलपर भी डेवलप करना चाह रहा है उस एरिया में जहाँ आपने अलाउ कर दी है हाउसिंग, वहाँ उसको गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके दे और वो एक कंट्रोल्ड रेट पे एक्वायर करके दे। जब वो कंट्रोल्ड रेट पे एक्वायर करेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होगा कि कहीं प्लॉट जो है वो 15 करोड़ का बिक रहा है तो कहीं वो 15 लाख का बिक रहा है। जब कंट्रोल्ड रेट पे एक्विजिशन होगी तो ये आपके एंड यूज़र के लिए अचीवेबल होगी, जहाँ सस्ती मतलब उसकी उसकी प्राइसिंग गवर्नमेंट डिटर्मिन करे उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से, और उस कंट्रोल्ड रेट पे वो एक्विजिशन करके उस डेवलपर को, जिस डेवलपर के पास पैसे और वसाइल हैं, डेवलपर्स की लाइसेंसिंग की जाए और गवर्नमेंट उनको एक्विजिशन करके दे। अगर आप ये मुल्क तामीर करना चाहते हैं तो आपको अपना बिज़नेस मॉडल चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों में ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, और बिज़नेस प्रोसेस को फैसिलिटेशन ओरिएंटेड रीडिज़ाइन करके फिर आवाम और पब्लिक को उसके साथ एंगेज करने की ज़रूरत है। ये काम गवर्नमेंट्स का और अदारों का नहीं होता कि वो कारोबार और वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो एक सिविलियन सेटअप या एक बिज़नेस सेटअप के नतीजे में अवामुन्नास को मिलनी होती है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो खुद अपने आप को एंगेज कर लें। तो इस वक्त सिविलियन अदारे भी ये कोशिश कर रहे हैं और हमारे फौजी अदारे भी सर्वाइवल के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए और बहुत सारे दीगर मसाइल के लिए बहुत सारे बिजनेसेस में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। उससे जो ट्रांजिशन ऑफ वेल्थ इनटू मासेस है वो रुक जाता है, और वो कैपिटल जो मैसेज में घूमना चाहिए जिसके नतीजे में अल्टीमेटली वेल्थ रेज होती है, जिसके नतीजे में जीडीपी रेज होता है, वो प्रोसेस रुक जाता है और वो कैपिटल एक अदारे के पास मुहित हो जाता है, जो कि कैपिटल फैलना। बिजनेस है क्या? बिजनेस इज़ जस्ट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल्स, वो करेंसी भी हो सकती है, वो लैंड भी हो सकती है बिटवीन मैसेज, और उसी से आप इन्जॉय करते हैं ना। हर किसी की एक बेसिक नेसेसिटी है, उससे ज़्यादा तो वो कंज्यूम ही नहीं कर सकता। एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा बंगला, अच्छी जगह होटलें को मुल्क में या बैरून मुल्क को 2-4 सफ़र, इतनी सी तो रिक्वायरमेंट है हर फैमिली की। तो ये तब मुमकिन है हर ख़ानदान के लिए जब आप एनेबलिंग एनवायरमेंट रेज़ करें और हर कोई अपना कारोबार खुद रेज़ करे, तब ही वो कैफियत बनेगी जो इस वक्त दुबई है। दुबई फैसिलिटेट करता है हर किसी के कारोबार को, दुबई ये नहीं करता कि सारा कारोबार स्टेट के हवाले कर दें, और स्टेट करके हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ आप अपनी होल्ड कर लें जिससे स्टेट का सर्कल चलता रहे। दुबई ने भी इस तरह से किया हुआ, जो उनका टैक्सी सर्विस है वो उनके रॉयल सेटअप में ही रहती है, जो उनकी जो है एयरलाइंस है वो उनके रॉयल सेटअप में रहती, वो और उनका जो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके सेटअप में रहते हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट को आप दे दें ताकि स्टेट अपनी अर्निंग करती रहे, लेकिन हर कारोबार अगर हम पब्लिक को नहीं करने देंगे और 2-4-5 कारोबार जो है वो अपने हाथ में लेके वो तो डेवलप हम कर लें अदारे के लिए, और पब्लिक के लिए हम कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट और उनके महकमों के और राशि अफसरों के रहमो करम पे छोड़ दें, जो बेचारे अफसर भी अपने घर की मजबूरियों की वजह से रिश्वत की दलदल में फंसते जा रहे हैं। मतलब सबको आप मुजरम ना समझें, सबको मजलूम समझें, सब फंसे हुए हैं, सबकी हेल्प करें, तो आप उससे निकल आएं।
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.